चलो आज हम लोग मैनेजरियल अकाउंटिंग में एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मेक और बाय का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम लोग। मेक और बाय का कॉन्सेप्ट यह बताता कि कंपनी के पास एक सेकंड अल्टरनेट रहता, चाहे तो वो लोग मैन्युफैक्चर भी कर सकते या फिर नहीं तो बाहर से हम लोग उसको खरीद भी सकते। तो दोनों में बेस्ट ऑप्शन क्या है उसको है तो हमारे को मेक और बाय में बताना है। तो हमारे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बनाने के ऊपर हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा, और वही प्रोडक्ट अगर हमारे को बाहर से मिल रहा तो कितने मिल रहा। दोनों को कंपेयर करने के बाद जो भी डिफरेंस रहता वो देख लेना। अगर बनाने का खर्चा कम आ रहा तो मैन्युफैक्चर कर लेना, अगर खरीदने से खर्चा कम हो रहा तो खरीद लेना। और एक बात हमेशा याद रहना, सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस का ही कैलकुलेशन करते हम लोग, फिक्स्ड का नहीं कर सकते। क्यों बोले तो मैन्युफैक्चरिंग करते होगा तो फिक्स एक्सपेंसेस करना ही करना है। अगर तुम बाहर से खरीद के भी लेकर आएंगे तब भी उसके ऊपर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होते हैं। तो उससे अच्छा है कि फिक्स्ड को हम लोग साइड में रखेंगे, उसके ऊपर हम लोग एक कमेंट लिख देंगे फिक्स्ड को हम लोग क्यों नहीं लेते बोल के, लेकिन कैलकुलेशन सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस का ही करना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइंड्स दैट while the cost of making in its own workshop part number 0028 is rupees 6 each, ठीक है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पता चल रहा, फाइंड कर रहा कि while the cost of making, अगर बनाने का है तो वर्कशॉप के टोटल 6 रुपये खर्च हो रहे हैं वर्कशॉप के ऊपर अगर हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों इंक्लूड रहते हैं। द सेम इज अवेलेबल इन द मार्केट इज 5.60। अगर दोनों को कंपेयर कर रहे तो मार्केट का रेट कम दिख रहा, लेकिन अभी मैं बताया ना ये 6 रुपए के अंदर फिक्स्ड भी इंक्लूड रहते हैं। फिक्स को हटाने के बाद कंपेयर करना विद एन एश्योरेंस ऑफ ए कंटिन्यूस सप्लाई। कंटिन्यूस सप्लाई का भी एश्योरेंस मिल जा रहा हमारे को मार्केट से अगर हम लोग ये रेट से परचेस करेंगे तो। राइट ए रिपोर्ट टू द मैनेजिंग डायरेक्टर गिविंग योर व्यूज वेदर टू मेक और बाय दिस पार्ट। अब खरीदना है या फिर बनाना है इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के देना, यानी कमेंट पास करना है आप लोगों को। गिव ऑल्सो योर व्यूज इन केस द सप्लायर रिड्यूस द प्राइस ऑफ रुपीज 5.60 टू 4.60। अगर कोई सप्लायर 5.60 से 4.60 यानी 1 रुपए कम करता है तो उसके ऊपर भी तुम्हारे व्यूज बताना है। द कॉस्ट ऑफ द डाटा इज एज फॉलो। कॉस्ट के हिसाब से देखो, मटेरियल 2 रुपए, डायरेक्ट लेबर 2.5, अदर वेरिएबल 0.5, डिप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स एसेट 1 रुपए। फिक्स एसेट को नहीं लेना, तो हमारे को सिर्फ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड से मतलब। चलो इसको अकाउंट्स में करेंगे हम लोग। वेरिएबल ओवरहेड बोलो या फिर वेरिएबल कॉस्ट बोलो, एक ही मतलब होता है। चलो क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या है। सबसे पहले है मटेरियल। मटेरियल का रेट है पर यूनिट 2, और उन्होंने कितने यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं दिया, अगर दिया तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट में लिख दिया। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर 2.5, फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड 0.5, ठीक है। डिप्रिसिएशन तो आता नहीं इसके अंदर, इसका टोटल हो गया 5 पर यूनिट। यानी अगर हम लोग फिक्स तो लेते नहीं, अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे तो 5 रुपए पर यूनिट हो रहा, ये मैन्युफैक्चर का यूनिट है। मैन्युफैक्चर पर यूनिट इसको कंपेयर करना ऑफर से सप्लायर, सप्लायर का ऑफर है द सेम इज अवेलेबल इन द मार्केट 5.6, सेम प्रोडक्ट 5.6 में अवेलेबल है, इसको इससे कंपेयर करना।
अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे तो 5 रुपये हो रहा, अगर हम लोग बाहर से अगर इसको परचेस करेंगे तो 5.6 हो रहा। इस हिसाब से देखा है तो सप्लायर का रेट ज़्यादा है, 0.6 बढ़ के एक्सेस प्राइस है, यह एक्सेस प्राइस ऑफ सप्लायर। तो सप्लायर से अगर हम लोग करेंगे खरीदेंगे तो 0.6 बढ़ के देना पड़ेगा, तो बेटर क्या है मैन्युफैक्चर करना। अब इसका कमेंट देखो, कमेंट कैसा लिखेंगे, सबसे पहले फिक्स को हम लोग ने लिया ना, फिक्स के ऊपर एक लाइन बना देना, फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर बोथ अल्टरनेटिव्स। दोनों अल्टरनेटिव्स के लिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस सेम ही रहने वाले, इस वजह से फिक्स्ड एक्सपेंसेस हम लोग नहीं लेते। सेकंड, इफ वी गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग तो बड़ा हो जाएगा, इफ वी फॉर बाइंग फ्रॉम आउटसाइड वी हैव टू पे 0.6 मोर देन मैन्युफैक्चरिंग। सो company should prepare then buy। ठीक है, तो कंपनी खरीदने से अच्छा कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। इस तरह से कमेंट तो मैक्सिमम यही रहते हैं, मैन्युफैक्चर करना है या फिर क्या करना है। सेकेंड अल्टरनेट इसका यह है, सेकेंड व्यू ये बता रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, इफ द सप्लायर रिड्यूस द वैल्यू 5.60 टू 4.6 देन आर एक्सपेंडिचर is 5 per unit and comparing to both prices 4.60 to 5 we save 0.4 we save 4.0 if we buy the product। ठीक है, अगर सप्लायर है तो उसकी रिड्यूस कुछ वैल्यू को अगर रिड्यूस कर रहा 5.6 से 4.6 को, देन हमारे एक्सपेंडिचर तो 5 रुपए पर यूनिट है, और कंपेयरिंग टू बोथ द प्राइसेस जैसे कि 0.6 हो गया और 5 रुपए हो गया, वी सेव 0.4 इफ वी बाय द प्रोडक्ट। तो हमारे हिसाब से प्रोडक्ट को आप खरीद लेना बेस्ट रहेगा, यह है। चाहे तो इसको टेबल फॉर्म में भी बता सकते हैं, नहीं तो इसको ये फॉर्म में भी बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग तो टेबल बना चुके हैं, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग 5 रुपए पर यूनिट है। सेम अगर चाहे तो टेबल अगर तुम बनाना चाह रहे हैं तो ये तो 5 रुपए सेम रहेगा, सप्लायर ऑफर 5.6 की जगह पे 4.6 से कंपेयर करना। उस हिसाब से देखा जाए तो एक्सेस प्राइस ऑफ सप्लायर नहीं रह के सेविंग हो जाता, सेविंग 0.4। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट है बाय कर लेना। तो ये है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।